गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद कीर्ति। वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर नंबर 6 माउस। ओके, चैप्टर नंबर 6 माउस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सी this is the picture of mouse and today we will learn about mouse. Okay, so do you know what is mouse? No, now I am telling you. Okay, a mouse is a device that moves a pointer on the computer screen. That's why it is also called as अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस एक डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूव होता है। ओके, और इसीलिए उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ओके, तो माउस का दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। इट एक्ट्स लाइक अ फिंगर अलाउइंग यू टू प्रेस बटन्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। माउस हमें बटन को प्रेस करने के लिए और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है मॉनिटर, उसमें जो डेटा इंफॉर्मेशन और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हमें अलाउ करता है। इट हेल्प अस टू मूव अराउंड ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन आइकॉन्स। माउस हमें स्क्रीन पर मूव करने के लिए और आइकॉन्स होते हैं उस पर क्लिक करने के लिए हेल्प करता है। इट कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक सिलेक्टिंग मेनू कमांड्स, मूविंग आइकॉन्स, रिसाइजिंग विंडोज, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स एंड चूजिंग ऑप्शंस। ओके, तो ये सारे जो है वो कंप्यूटर माउस के फंक्शंस है। कौन से है? सिलेक्टिंग मेनू कमांड्स, मूविंग आइकॉन्स, रिसाइजिंग विंडोज, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स एंड चूजिंग ऑप्शन। ऑप्शंस होते हैं उनको चूज करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। ओके, आइकॉन्स को मूव करने के लिए, फिर विंडो की साइज़ होती है वो साइज़ को रिसाइजिंग करने के लिए, और जो कमांड्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। किसका यूज़ होता है? माउस का। अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। आपको पता है ना माउस इनपुट डिवाइस है? हाँ, वेरी गुड। वी कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन बाय क्लिकिंग द माउस। ओके, मॉनिटर की स्क्रीन पर हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो माउस के क्लिकिंग से हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ क्लिकिंग? नो, नाउ आई एम टेलिंग यू। ओके, प्रेसिंग ऑफ बटन्स इज कॉल्ड एज क्लिकिंग। प्रेसिंग ऑफ बटन्स इज कॉल्ड एज क्लिकिंग। माउस के जो बटन्स होते हैं उन्हें प्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लिकिंग। ओके, अ माउस हैज़ फॉलोइंग बटन्स। माउस को बटन्स होते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। फर्स्ट, लेफ्ट हैंड बटन। ओके, लेफ्ट हैंड बटन का यूज़ क्या होता है? यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट। मॉनिटर की स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए और कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का लेफ्ट साइड के बटन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड बटन है और ये राइट हैंड बटन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट हैंड बटन। राइट हैंड बटन का यूज़ किस लिए होता है? तो
to open menus and commands. कंप्यूटर में जो मेनू और कमांड्स होते हैं उन्हें ओपन करने के लिए हम राइट हैंड बटन का यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज़ स्क्रोल व्हील, मूव पेज अप एंड डाउन ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पर जो पेज होता है उसे अप और डाउन करने के लिए हम स्क्रोल व्हील का यूज़ करते हैं. ओके, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रोल व्हील का यूज़ किया जाता है. सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्क्रोल व्हील. एंड द फोर्थ वन इज़ कॉर्ड, प्लग माउस इनटू द कंप्यूटर. ओके, माउस इज़ कनेक्टेड विथ अ लॉन्ग प्लग्स वायर. सी, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड. ओके, और सी, दिस इज़ द माउस पॉइंटर. ओके, माउस पॉइंटर इस तरीके से हमें शो होता है. सेकंड, माउस. ओके, माउस पर कितने बटन्स होते हैं, टू, लेफ्ट हैंड बटन एंड राइट हैंड बटन. उस पर एक स्क्रोल व्हील होता है. और सी, दिस इज़ द कॉर्ड. ओके, सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कर्सर. ओके, हमें ये कर्सर कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर ऐसे शो होता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर सिक्स चैप्टर माउस इज़ कंप्लीटेड. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू watch this video and listen this video carefully. Okay.